ग्रोसरी ले लो भैया, ग्रोसरी। ग्रोसरी चाहते हैं आप? कौन सी ग्रोसरी चाहिए आपको? ये प्रोडक्ट चाहिए क्या आपको? ये बिस्किट चाहिए? कुरमा चाहिए? कौन सा प्रोडक्ट चाहिए भैया? तो कौन सा प्रोडक्ट चाहिए भैया, जल्दी से बता दो, अभी मैं आपको भेज देता हूँ ऑनलाइन डिलीवरी। तो थोड़ा सा फन था यार, थोड़ा मस्ती थी। तो ये सारे प्रोडक्ट्स ग्रॉसरी, तो हमने बताया था जैसा कि लास्ट टाइम हम ग्रॉसरी का वीडियो लाने वाले हैं। तो यार ग्रॉसरी का बिजनेस कैसे करें, आप ग्रॉसरी को ऑनलाइन कैसे बेच सकते हो या ऑफलाइन कैसे बेच सकते हो, आप अपना खुद का स्टोर कैसे खोल सकते हो, सारी चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले हम जान लेते भाई ग्रॉसरी क्या है। ग्रॉसरी तो आपको पता है भाई, डेली नीड्स के जो आइटम होते हैं वो ग्रॉसरी में आते हैं। आप घर पर जितनी भी चीज़ें खाते पीते हो, चाहे वो चाय बनाना हो तो शक्कर चाहिए हो, चाय पत्ती चाहिए हो, या आपको निरमा चाहिए, साबुन चाहिए, बिस्किट चाहिए, तेल, आंवला, ये सारी चीज़ें यार लग ग्रॉसरी में ही आती हैं। तो मेरे को ये ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं ग्रॉसरी क्या होती है, आपको पता है। तो कैसे आप अपने इस ग्रॉसरी के बिजनेस को ओपन कर सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है, पूरी बात जानेंगे। देखो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कितना मार्जिन। यार देखो जहाँ तक मेरी बात है, तो मेरे घर पे भी यहाँ पे शॉप है जो छोटा भाई मेरा चलाता है, ग्रॉसरी की शॉप है, अच्छा खासा अर्न भी करते हैं वहाँ पे, इसलिए मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मैं उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो इसमें कितना मार्जिन होता है भाई, ग्रॉसरी के बिजनेस में यार कोई भी फिक्स नहीं होता भाई कि कितना मार्जिन होगा। लगभग आपको इसमें 10% किसी प्रोडक्ट में, 20% किसी प्रोडक्ट में, 25% किसी प्रोडक्ट में, 2% किसी में, 5% सब में अलग अलग प्रॉफिट होता है। तो लगभग एक रेशियो हम मान के चलें तो भाई लगभग उसमें आपको 12-15% का आप मार्जिन, हम एक मिनिमम रेशियो लगा के चलते हैं कि इतना आपको प्रॉफिट होता है। आप अगर ग्रॉसरी की शॉप ओपन करते हो तो इतना लगभग आप प्रॉफिट होगा आपको, आप प्रोडक्ट खरीद के लाएंगे उसको सेल करेंगे तो इतना तो आपको बचेगा ही बचेगा, इतना प्रॉफिट होगा। अब बात करते हैं कि इस बिजनेस को कौन कौन कर रहे हैं। तो पूरा इंडिया यार बिजनेस को कर ही रहा है और ये बिजनेस ऐसा है कि कभी बंद नहीं होगा। ये चीज़ें तो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, इनको तो ये तो बिकेंगे ही बिकेंगे। ग्रॉसरी तो डेली नीड्स के आइटम है और इस लॉकडाउन पे जिन लोगों ने बाजी मारी है वो है बिग बास्केट ग्रॉफर्स, और इस टाइम पे तो नया निकल के आ गया जियो मार्ट, और जियो मार्ट के साथ स्विगी, जोमेटो, ये भी इसमें हाथ बटा के रखे हैं। ग्रॉफर्स के साथ कनेक्ट कर लिया जोमेटो ने और वो दोनों मिलकर अब डिलीवरी कर रहे हैं ग्रॉसरी की। तो अब देखो यहाँ पे आप भी अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो, खुद का स्टोर खोल सकते हो। स्टोर खोलने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको इसका स्टोर ओपन करना पड़ेगा। अगर आप किसी जगह पे हो, आप किसी सिटी में हो, तो आपको चूज करना है लोकेशन। आपने अपनी खुद की लोकेशन सेलेक्ट की कि भाई मेरे को इस लोकेशन में अपना इस बिजनेस को शुरू करना है। आपके खुद का वहाँ पे अगर जमीन है, आपके खुद का वहाँ पे घर है, आप अपने घर पे ही अपनी शॉप ओपन कीजिए और वहीं से आप इन प्रोडक्ट की सेलिंग कीजिए। तो अब देखो यहाँ पे एक डिपेंड करता है ना भाई कि आप गांव पे हो या सिटी पे हो, सब में अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। अगर आप गांव पे इस बिजनेस को ओपन करोगे तो वहाँ भी अच्छा खासा मुनाफा कमा लोगे, सिटी में करोगे तो वहाँ भी मुनाफा कमा लोगे, लेकिन यहाँ पे सिटी में अगर आप ओपन करोगे तो वहाँ पे थोड़ी सेलिंग ज़्यादा होगी, गांव पे थोड़ा सेल कम होता है और प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है और खर्चा भी कम होता है गाँव पे। सिटी में आप शॉप खोलोगे तो वहाँ पे थोड़ा खर्चा भी लगता है, लाइट बिल वगैरह ज़्यादा आता है और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं, बिक्री भी ज़्यादा होती है, मार्जिन भी अच्छा खासा मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको चूज़ करना है कि आप कहाँ पे ओपन कर रहे हो। अब इस बिज़नेस को यार ओपन करने के लिए तो सिंपल सी चीज़ें, आप 25-30 हज़ार रुपये में अपना खुद का बिज़नेस ओपन कर सकते हैं। चाहे आप इसको गांव पे ओपन करो अपने, चाहे सिटी में, 25-30 हज़ार रुपये, आपकी खुद का घर है, आपकी शॉप है वहाँ पे, तो 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये की ग्रॉसरी आप ला के रख लो। इतने से आप स्टार्टिंग सेल कर दोगे, इतने से आप सेलिंग शुरू कर सकते हो, और इसके बाद आप चाहे जितने इन्वेस्टमेंट लगा लो वो कम है, आप जितना प्रोडक्ट ला के रख लो वो कम है, बस सेल करते रहो, मुनाफा कमाते रहो, ग्रॉसरी में यही होता है। तो ये सारी चीज़ें तो होगी भाई ओपन करने की बातें हैं। अब हम जानते हैं भाई क्या क्या प्रोसीजर हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, पैसे कैसे कमा सकते हो ग्रॉसरी में, अर्न कैसे कर सकते हो, आइए जानते हैं पूरी चीज़। तो दोस्तों हम जान लेते हैं भाई यहाँ पे आप कमा कैसे सकते हो, पैसे कमाने के तरीके इस बिज़नेस में। देखो सबसे पहले तो हम बता दें भाई ये बिज़नेस कभी बंद नहीं होगा, ग्रॉसरी हर महीने बिकेगी आपकी। आप इसमें आपको कस्टमर बनाना है। अब मान के चलो यार आपने 200 कस्टमर आपने बना लिए और 200 कस्टमर आपके 5000 रुपये का अगर एक कस्टमर शॉपिंग करता है यहाँ पे, तो आपके लगभग यहाँ पे 10 लाख की सेलिंग तो आपकी यहीं पे हो जाती है। तो आप महीने के अगर 200 कस्टमरों को आप 5000 रुपये के सामान अगर सेल करोगे, 5000 रुपये की ग्रॉसरी आज बेचोगे, तो आपको यहाँ पे
10 लाख रुपए का बिजनेस तो आप ये कर लोगे, अगर आप कम से कम, हम इसमें 10% का मुनाफा निकालेंगे भाई, 10% का कम से कम नेट प्रॉफिट, तो आपको इसमें 1 लाख रुपए प्रॉफिट होगा 100%, ये गारंटी है। अब देखो यहाँ पे ये फिक्स तो नहीं होता कि ग्रॉसरी में भाई आपको इतना फिक्स रहता है, किसी प्रोडक्ट में आपको 10% का मार्जिन, किसी में 12% का मार्जिन, किसी में 20% का मार्जिन, और किसी किसी प्रोडक्ट में तो भाई 40% का मार्जिन भी मिल जाता है। तो मार्जिन की बात करें तो मार्जिन अच्छा खासा इसमें मिल जाता है। तो कम से कम अगर आप इसमें इतनी सेलिंग करोगे तो आपको इतना प्रॉफिट होगा। कस्टमर आपको बनाना है, मार्केटिंग आपको करना है, आप कैसे मार्केटिंग करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। और ग्रॉसरी के लिए यार देखो, आप यहाँ पे अपने कस्टमरों को आप गिफ्ट्स वगैरह दे सकते हो। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है, आप अपने कस्टमरों को गिफ्ट वगैरह दो। आप देखो सबसे पहले तो आप अपने कस्टमर को चूज़ करिए कि आपके दुकान से सबसे ज़्यादा शॉपिंग कौन करता है ना, कौन आपके यहाँ से ज़्यादा परचेसिंग कर रहा है। तो आप उस कस्टमर को अच्छा खासा ऑफ़र दे सकते हो। उस कस्टमर के घर पे चाहे 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, कुछ भी, जितना भी एक गिफ्ट पैक करवा के उसके घर पे भेज दो कि गिफ्ट फ्रॉम दिस स्टोर, गिफ्ट फ्रॉम दिस स्टोर, आपके एक अच्छा सा स्टोर का नाम होगा। और उसके पास गिफ्ट पहुंचेगा तो उसको लगेगा ना भाई कि हाँ उस स्टोर से ये गिफ्ट आया हुआ है और बढ़िया है, तो वो दोबारा भी आपके यहाँ शॉपिंग करने आएगा और उसको एक अच्छी फीलिंग आएगी। तो ये चीज़ कहला जाती है यार, आप अपने कस्टमर को हमेशा गिफ्ट दीजिए। हर महीने अपने कस्टमर को अगर आप गिफ्ट दोगे तो जो अच्छे खासे कस्टमर हैं उनको गिफ्ट दीजिए, तो वो कस्टमर आपके यहाँ हमेशा बने रहेंगे। अब मॉडर्न किराना स्टोर की अगर बात करें भाई, तो यहाँ पे कई लोग मॉडर्न किराना स्टोर ओपन करते हैं। आज की डेट में हर जगह मॉडर्न किराना स्टोर ओपन हो रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरह से अपने स्टोर में हर एक चीज़ों की अवेलेबिलिटी और किस तरह से ग्रॉसरीज को जमा के रखते हैं, किस तरह से उनके यहाँ पे पूरा ऑनलाइन शॉपिंग का भी सिस्टम होता है, बिलिंग सिस्टम होता है, और आप उनके यहाँ पे जाओ शॉपिंग करो और काउंटर पे आओ, प्रोडक्ट रख दो, पूरी चीज़ बार कोड के साथ वो बिलिंग करके आपके प्रोडक्ट की बिल कर देंगे और आप प्रोडक्ट को घर ले जाओ। तो ये चीज़ होती है मॉडर्न स्टोर जो आजकल बने हुए हैं ना, तो आप मॉडर्न स्टोर भी ओपन कर सकते हो उस तरह। अगर आपके पास अच्छी खासी पैसा है, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, तो आप उस तरह का स्टोर ओपन कीजिए। आज की डेट में ये ज़्यादा चल रहे हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, 50-60 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये, तो आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके एक नॉर्मल स्टोर ओपन कर सकते हैं, वहाँ भी आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे लोकेशन। दोस्तों यहाँ पे आपको लोकेशन भी चूज़ करना है कि आपका लोकेशन क्या है। आपका लोकेशन जब आप ओपन करेंगे अपना ग्रॉसरी स्टोर, तो लोकेशन ऐसा वैसा चूज़ मत कर लें जहाँ पे आपकी सेलिंग ज़्यादा ना हो। तो लोकेशन आप रेंट पे ले रहे हो या आपका खुद का शॉप है, तो अगर देखो आप मोस्टली ज़्यादातर शॉप नहीं होते तो आपको रेंट पे लेना पड़ता है। तो रेंट पे आप अगर शॉप लो तो आप उसमें से जो शॉप है, शॉप का रेंट है वो 100% में 2% होना चाहिए वहाँ का किराया, और वहाँ के जो खर्चे हैं, लाइट बिल, एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें मिला के वहाँ पे टोटल एक्सपेंस आपका, वहाँ पे टोटल एक्सपेंस 5-6% होना चाहिए। क्योंकि तभी तो आप जब 15% आप कमाओगे तो उसमें से आपको भी तो प्रॉफिट होना चाहिए। नहीं तो हमेशा आप अगर वहाँ पे आप किराया ही इतना सारा किराया दोगे और बिल इतना सारा भरोगे तो आपको, आप तो घाटे में ही जाओगे। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे प्रोडक्ट परचेसिंग, प्रोडक्ट खरीदना। प्रोडक्ट परचेसिंग में आपको चूज़ करना है कि भाई आप प्रोडक्ट कहाँ से ले रहे हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे किराना स्टोर्स होते हैं जहाँ पे लोग खुद सेलर हैं, वो खुद पहुँचा जाते हैं प्रोडक्ट को, अपनी गाड़ी पे रख के लाते हैं और वहीं पे बेचते हैं। तो आप इतना ध्यान रखिए कि आप प्रोडक्ट को ना डायरेक्ट अगर होलसेलर शॉप से ख़रीदेंगे, जो बहुत बड़ा एक अपनी कंपनी या फिर आपके इधर का एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, अगर आप उससे प्रोडक्ट ख़रीदेंगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। और अगर आप सीधे जो आपके यहाँ डिलीवरी करने आते हैं, गाड़ियों में रख रख के सामान लेके आते हैं, आपके घर पे पहुंचा देते हैं, तो यार वो भी थोड़ी बहुत मुनाफा कमाएगा। तो आपको उसमें 4-5% मुनाफा कम होगा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से वहाँ से लेंगे, डायरेक्ट होलसेलर से लेंगे, तो आप के 5-10% आपका ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आप डायरेक्ट जाके होलसेलर से पूरे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो खरीदने के साथ साथ यार आप इसमें सारे प्रोडक्ट्स को एकदम फ्रेश और बहुत अच्छी तरीके से होने चाहिए। अब जब आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, फ्रेश नहीं होगा या एक्सपायरी डेट में होगा, आप किसी प्रोडक्ट को सेल करोगे तो आपका कस्टमर नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि आपने पहले से उसको ख़राब प्रोडक्ट पकड़ा दिया और एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट दे दिए। तो प्रोडक्ट को यार आप फ्रेश प्रोडक्ट खरीदो जब भी आप होलसेलर से लो, क्योंकि एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट आपने देखा होगा कई मॉल्स में चल रहे हैं इस टाइम पे, कि भाई जिनकी एक्सपायरी डेट आने वाली होती है उसको 50%, 60%, 70% डिस्काउंट में बेच दिया जाता है ना, और लोग ले भी लेते हैं।
तो ये चीज़ें हैं आपको, अगर तो आप ही को घाटा होगा ना आप इस तरह के प्रोडक्ट अगर खरीद के लाओगे तो ध्यान रखें इस चीज़ का ज़रूर। आप हर चीज़ हमेशा नई नई चीज़ें फ्रेश आइटम खरीदें तो बेहतर और अच्छा होगा। अब यहाँ पे देखो ना भाई, अगर आपके पास एक नमकीन का पैकेट है, आप जो आप खुद टेस्ट करना कि जिस नमकीन का, मान लो एक नमकीन का पैकेट है और उसकी एक्सपायरी डेट आने वाली है 1 महीने बाद, तो उस नमकीन को खाना, और जिसकी एक्सपायरी डेट आने वाली है 10 महीने बाद उस नमकीन को खाना, तो जो फ्रेश नमकीन होगी उसका टेस्ट अलग ही होगा। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो, बात कर सकते हो, है ना। और इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की, पैसा आपको कितना इन्वेस्ट करना है। देखो आप एकदम से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत कर दीजिए, धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को कीजिए। कि आपने बैंक से लोन लिया है, अगर आप बैंक से लोन लिए हैं तो 10% 12% आपको वहाँ पे ब्याज भी भरना होता है, तो आपको अर्निंग करना है ना, आपको अर्निंग करना है तो ब्याज भी भरना है। तो ध्यान दें यार, ज़्यादा लोन मत लें, कम से कम लोन लें ताकि आप धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। और इन्वेस्टमेंट का बहुत विशेष ध्यान दें ताकि आपको आगे चल के घाटा ना हो, प्रॉफिट ही हो। तो बैंक का लोन भी चुकाना होगा, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड ऑफ़र, आप नए नए मार्केटिंग और नए नए ऑफ़र ला के रख सकते हो ताकि आपका बिज़नेस आगे ग्रो करे, बढ़े। और आप मार्केटिंग करोगे अपने प्रोडक्ट की, अपने शॉप की थोड़ी बहुत, तो आपके यहाँ पे कस्टमर आएंगे। ऑफ़र अगर आप दोगे तो आप कई प्रोडक्ट में ऑफ़र दे सकते हो। देखो यहाँ पे अब हर प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि भाई शुरू में भाई आपको हर प्रोडक्ट में थोड़े बहुत अलग अलग टाइप के मार्जिन मिलते हैं। किसी प्रोडक्ट में आपको 10%, किसी में 20%, किसी में 40%। तो जिस प्रोडक्ट में आप ज़्यादा मार्जिन कमाते हो उसको भी आप कम मार्जिन में बेच दो, कम रेट रख के ऑफ़र में दे के बेच सकते हो ताकि आपके पास आए। जैसे अब कोई कस्टमर आपके यहाँ 200-400 रुपये की प्रोडक्ट ख़रीदा, तो उसको थोड़ी बहुत ऑफ़र में किसी प्रोडक्ट को दे सकते हो, तो कस्टमर को भी एक वो होता है ना कि भाई चल यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है, तो वो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट ख़रीदेगा, वहाँ से शॉपिंग करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हमने आज बताई इनको आप कर सकते हो, अच्छा खासा मार्जिन मुनाफा कमा सकते हो। तो आप अपना खुद का ग्रॉसरी बिजनेस ओपन कर सकते हो दोस्तों, और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों आपने इन सारी चीज़ों को जाना, आप कैसे अपने इस बिज़नेस में मुनाफा कमा सकते हो, पैसे कमा सकते हो, और सारी चीज़ें करके आप अपना खुद का ग्रॉसरी बिज़नेस ओपन कर सकते हो, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। आप इस बिज़नेस को ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हो, ऑफलाइन भी शुरू कर सकते हो। अगर ऑनलाइन शुरू करना है तो मैं आपको बता दूं भाई, ऑनलाइन के लिए आपको एक वेबसाइट बनवानी है। पूरे प्रोडक्ट को आप वेबसाइट में लिस्ट कर लो, किसी दूसरे ग्रॉसरी दुकान वाले से आप टाइप कर लो भाई आपसे यहाँ प्रोडक्ट खरीदूंगा, थोड़ी बहुत मार्जिन मेरे को देना, तो आप ऑनलाइन डिलीवरी करो और प्रोडक्ट वहाँ से खरीदो। तो आपको स्टॉक नहीं रखने पड़ेगा, आपको सिर्फ वेबसाइट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वेबसाइट आप बनवा सकते हो जिससे आप ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू। और अगर आपने स्टोर खोल लिया फिर तो कोई बात ही नहीं। तो दोस्तों इसको ओपन करने के लिए यार आपको रैक होने चाहिए आपके पास, अच्छे खासे रैक जो होते हैं दुकान में जो लगे होते हैं, काउंटर होना चाहिए, चेयर होनी चाहिए, और फ्रिज होना चाहिए। अगर आप अच्छा स्टोर खोलते हो, मॉडर्न स्टोर खोलते हो, मॉडर्न स्टोर आज की डेट में आप जानते हो किस तरह से ओपन हो रहे हैं हर जगह पे, तो मॉडर्न स्टोर भी आप ओपन कर सकते हो। मॉडर्न स्टोर ओपन करके आप जानते हैं ना भाई किस तरह से मॉडर्न स्टोर ओपन हो रहे हैं। जैसे आप बिग बाज़ार जाते हो तो आप एकदम सिस्टमैटिक सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, ग्रॉसरीज उठाओ आप ऐड टू कार्ट, वहाँ पे शॉपिंग कार्ट आप खुद लेके जाओ, वहीं पे प्रोडक्ट खरीदो और आके काउंटर पे बिलिंग करा लो। तो ये चीज़ होती है मॉडर्न स्टोर में। और नॉर्मल स्टोर की बात करें भाई, अगर छोटे मोटे जो स्टोर होते हैं गांव देहात में या सिटी में ही ऐसे होते हैं, आप सीधे प्रोडक्ट खरीदो और प्रोडक्ट खरीद के उन लोग खुद प्रोडक्ट देंगे आपको, वहीं पे जितना पेमेंट होगा उनको पेमेंट कर दो। लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम वगैरह नहीं होता, सिंपल मैनुअली पेमेंट वगैरह होती है। तो इसी तरह मॉडर्न स्टोर जो ओपन हो रहे हैं ना, वो भी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, वो भी मार्केट में एक अच्छा प्रोसीजर बना रहे हैं, मार्केट में एक अच्छा प्रोसीजर लेके आए हैं जिससे लोगों को वहाँ पे जाने में एक अच्छी लाइबिलिटी आती है, और मॉडर्न स्टोर पे जाके वो परचेसिंग करते हैं तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है, एक अच्छी फीलिंग आती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इस बिज़नेस में आगे बढ़ा जा सकता है और इसको ओपन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो दोस्तों अब खत्म करते हैं वीडियो को और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर देना, और कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ चीज़ मेरे से बताने के लिए रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, हो सकता है मैं कुछ चीज़ें मिस कर दी हूँ। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।